है। तो हमारे साथ हैं प्रिंस कुमार जी, जिन्होंने मोकामा के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके 471 नंबर प्राप्त किए हैं। साथ ही मैं बता दूं, इनके एक और मित्र हैं जिन्होंने 471 नंबर ही लाया है, लेकिन आज हमारे साथ में सबसे पहले प्रिंस जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया सर। कैसे, क्या उम्मीद था? ये सर, उम्मीद था कि 450 प्लस आएगा। टॉप 10 में आने से थोड़े संख से पीछे रह गए हैं। यस सर। क्या बुरा लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है सर, बुरा। मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? क्या बोले मम्मी पापा आपसे? मम्मी पापा बोले कि टॉप 10 में आ जाता तो बढ़िया रहता होगा। और अभी तक कॉल उड़ा रहा है सब जगह से? यस सर। परेशान फील कर रहे हैं आप? पहले और अब में क्या अंतर लग रहा है रिजल्ट आने के, पढ़ाई करने टाइम अभी में? सर अभी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। कुछ बदल गया है? यस सर। सबसे ज्यादा योगदान किनका है इस रिजल्ट में? मेरे मम्मी पापा और मेरे शिक्षक का। सर राजशेखर सर भी हैं साथ में। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके छात्र ने रिकॉर्ड तोड़ दिया? रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये अनुभव की चीज है जी, इसको हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। बस हम यही कह सकते हैं कि ये अनुभव की चीज है और इतना बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा और अगर हम प्रयास किए होते तो और कमी कहाँ रह गई? 7-8 नंबर का। कमी की बात यहाँ ये कह सकते हैं, कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में भी लोग होता है, कभी लग रहा है कि हम बेहतर लिख रहे हैं, लेकिन आगे जो कॉपी चेक कर रहे हैं तो वो तो अपने स्तर से चेक कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए वो आंसर खूब सटीक ना हो, तो बहुत सारी बातें होती है। मिला जुला कर एक चीज़ ये कहना है कि हम लोग को इससे घबराना नहीं चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए और ये अनुभव करना चाहिए छात्रों और शिक्षकों को, दोनों को, कि आखिर हमें कमी क्या रह गई जो हमारे बच्चे थोड़ा सा आगे दे चुके हैं। तो आगे कोशिश है, आगे इसको कोशिश जरूर है, बेहद है। साथ में प्रिंस के पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। क्या कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में डांट सुनता था? हाँ, डांट सुनने की जरूरत नहीं था, अपने आप सब ठीक है। मेहनत देख के लगता था कभी आपको कि ये नहीं लगता था? मेहनत जिस टाइप का था उससे हमको भी होता था, गर्व होता था कि नहीं करेगा। आज से पहले कुछ फैमिली मेंबर में या फिर कोई रिलेटिव में इस तरह का टॉपर? इस तरह मोकामा टॉप मतलब चारों हाई स्कूल से मेरा बड़ा लड़का था रोशन कुमार, वो भी आया, वो अभी अग्निवीर में है एयरफोर्स में। मतलब ये प्रोसेस पहले से चलते आ रहा है उसी का एक। संजो सौभाग्य है कि वह भी मेरा शिष्य एक ही जगह से है। तो चलिए हमारे साथ है प्रिंस की मम्मी जी भी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर आगे बच्चा बढ़े। कैसा लगा, मतलब बच्चा ये रिजल्ट किया, सर्वो जगह से अच्छा। सभी जगह से शुभकामनाएं आ रही हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। कुछ खास उद्देश्य जो माता पिता जिनके बच्चे अच्छे रिजल्ट करते हैं उनके लिए आपके तरफ से? सबको धन्यवाद, सबके धन्यवाद। चलिए अब प्रिंस जी से खास बातें करते हैं हम इनसे कि ये रिजल्ट कैसे इन्होंने किया और क्या करते थे जो इन्हें इतना नंबर आया। सर मैं प्रैक्टिस खूब करता था सर। कितने देर पढ़ते थे? 6 से 7 घंटे रोज। कितने देर? 6 से 7 घंटे रोज। उन भाइयों के लिए जो कुछ नंबर से चुक गए हैं क्या कहना चाहोगे आप? मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आगे का क्या लक्ष्य है? आगे IIT क्लियर करना। इंटर में कहाँ से पढ़ना, मोकामा से या फिर बाहर? नहीं सर, मतलब कि अभी फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो मेहनत जारी है? हाँ सर। अभी जो रिजल्ट आपसे है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका आपको महसूस होता है कि इन्होंने आपके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किया? या फिर मेरे शिक्षक। शिक्षक, हाँ। तो और जो छात्र हैं मोकामा के छात्र, उन्हें क्या कुछ आप देना चाहिएगा मैसेज? सर मेहनत करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा, मतलब कि आप भी इतना नंबर ला सकते हैं अगर आप मेहनत कीजिएगा। अपने दोस्त के बारे में क्या कहना चाहोगे जो आपके जस्ट बराबर में खड़ा है, नाम बताइए उनका? सरवन नाम है उसका, सरवन कुमार। तो क्या वो साथ पढ़ते थे, कैसा? बढ़िया था सर, वो भी पढ़ने में बढ़िया, बहुत मेहनत करता था वो भी, साथ ही में पढ़ते थे। हाँ सर। और साथ ही नंबर ले आए? हाँ। लिखे भी सब सेम? हाँ। ये कैसे संभव है बिना देखे? सर सब मेहनत करता है सर, और दो चार गो है जो कुछ नंबर से छूट गया। कुछ है दोस्तों का नाम बता सकते हैं? अंजेश कुमार, जिनके लिए बहुत थोड़ा बुरा लग रहा है या फिर बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसे दोस्त? 463 नंबर उसका आया है अंजेश कुमार का। अंजेश कुमार अच्छे मित्र है। चलिए एक अमर आया है उसका 429। आपके दो छोटी बहन है वो किस क्लास में है? 11 छोटी नहीं सर, हमसे बड़ी है सब दोनों। किस क्लास में है? 11 में, और एक थी BA में। तो उनका भी